Now, another question is, a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meters. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. आपको एक फील्ड जो है वो ट्रेपीजियम के शेप में दिया हुआ है, जिसकी पैरेलल साइड्स जो है वो आपको 25 और 10 दी हुई हैं, नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो आपको 14 और 13 दिए हुए हैं। तो आपको फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकता मैं, क्योंकि देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन हाइट या जो है वो अपने को गिवन नहीं है। अपने को देखिए डायग्राम मैंने बना रखा है, ये आपका पैरेलल साइड हो गया 10 और ये हो गया 25, ये हो गया 14 का और ये हो गया 13 का। तो ये हाइट जो होती है वो ये होती है, 90 डिग्री पर जो लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो अपने को ये लाइन जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी, चाहे तो आप ये करो और चाहे तो आप ये वाली करो। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इस तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए इस 14 मीटर लाइन के पैरेलल एक लाइन मैंने डिवाइड ड्रॉ कर ली है। ओके, इस लाइन को ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, मेरे को एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। जिस भी ट्रायंगल के दो साइड्स पैरेलल हैं, सॉरी जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, वो क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम आती है। तो ये तो ऑलरेडी आपको पैरेलल दिया हुआ है, और इसके पैरेलल मैंने एक ड्रॉ और कर ली, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। और जैसे ये पैरेललोग्राम होगा, तो ये 10 का है तो ये भी 10 का, और ये 14 की है तो ये भी 14 की। ओके, अब देखिए ये नीचे वाली साइड जो है वो आपके 25 की है, जिसमें से इतना यहाँ तक का इस पॉइंट को मैंने नाम दे रखा है ई, ई तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, ये 10 की है, तो इसके अपोजिट पैरेललोग्राम होने के कारण ये डी ई भी क्या हो जाएगी, 10 की, और टोटल है आपकी 25 की। तो अगर ये 10 मीटर की हुई तो इधर वाली कितनी हो जाएगी, 15 मीटर की। और देखिए तीनों साइड मेरे को पता चल गई, तीनों साइड पता चलने से मैं यहाँ हीरोन्स फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने से मेरे को एरिया मिल जाएगा, उसके बाद मैं ट्रायंगल का एरिया वाला फार्मूला लगा करके बीच वाली हाइट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी फाइंड आउट किया, बी ई सी, ये ई है, बी ई सी, वो क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 21 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो मेरे को क्या मिलता है, 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में मैंने इसको चेंज किया। तो देखिए 21 को 3 इंटू 7, 7 का 7, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 को 2 इंटू 3। अब देखिए 3 का एक पेयर बनता है, 3 बाहर आ गया, 7 का एक पेयर बन रहा है, 7 बाहर आ गया, 2 के दो पेयर बन रहे हैं तो 2 इंटू 2, तो ये टोटली मेरे को क्या आ गया, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा मिल गया मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी मेरे को मिल गया 84। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। ओके, तो बी मेरे को पता है 15 है, एच मेरे को फाइंड आउट करना है, तो यहां से मैं एच फाइंड आउट करूंगा, तो वो क्या आएगा, 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, सो एच इजिकल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, 11.2 मीटर। ठीक है, और एच यही क्या है, मेरा बी एफ है। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से बी एफ की वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एच की वैल्यू जो है फर्स्ट में रख दूंगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ बी एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ जाएगा, हाफ सम ऑफ साइड क्या आ जाएगा, 10 प्लस 25 इंटू एच के जगह पर बी एफ यानी 11.2, तो ये मेरा आया हाफ इंटू 35 इंटू 11.2, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा मिलता है 196। ओके, तो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सेल्फ करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बार बाकी जो हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।